सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में गर्भवती महिला को धात्री माताओं वाली कैटेगरी में कैसे भेजेंगे और उसके बाद यहां पे उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, यानी कि जो माइग्रेट करने का पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो अपडेट है वो आप सभी लोग कर चुके होंगे, 15.2.1 ये जो न्यू वर्जन आया है इसके बारे में भी हमने आप सभी को बताया था। लेकिन इससे पहले जो अपडेट आया था 15.2, तो उस 15.2 के अपडेट में गर्भवती महिलाओं की कैटेगरी है, इसमें कुछ नियम चेंज हुए थे, माइग्रेट करने का ऑप्शन जो था उसमें कुछ बदलाव किया गया था। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, क्योंकि जब जब अपडेट आता है तो इसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैसा कि यहाँ पे हम पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर चुके हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले चलेंगे गर्भवती महिलाओं वाली कैटेगरी में। तो चलिए, जो गर्भवती महिला की कैटेगरी हमने ओपन की है इसमें क्या नियम है मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले हम माइग्रेट कर लेते हैं, जो यहाँ पर 9 मंथ की गर्भवती महिला हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 3 डॉट का आइकन है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर का ऑप्शन आ जाता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिलीवरी की तारीख लिखना है, यानी कि जिस दिन उस बच्चे का जन्म हुआ है उस दिन का यहाँ पर हम लोग डेट डालेंगे और यहाँ पर विस्थापित करें पर क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ पर हम डेट डाल लेते हैं, 03/09/2022, यानी कि इस गर्भवती महिला का जो डिलीवरी हुआ था वो 3/9/2022 को हुआ था। तो हमने यहाँ पे इसका डेट डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो विस्थापित लिखा हुआ है, यानी कि रेड कलर में आपको यहाँ पे विस्थापित लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा, क्या आप वाकई इस लाभार्थी रिकॉर्ड को स्तनपान कराने वाली माताओं में माइग्रेट करवाना चाहती हैं। यहाँ पे लिखा गया है निरस्त किया गया और यहाँ पे लिखा है ठीक है, यानी कि हम इसको स्तनपान कराने वाली माताओं की कैटेगरी में भेजना चाहते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक है जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं जैसे ही माइग्रेट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड सफलतापूर्वक माइग्रेट हो जाएगा और यहाँ पे जो बच्चों की सूचना है उसको भरने के लिए यहाँ पे एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। तो चलिए बच्चों की सूचना भी हम लोग यहाँ पे भर लेते हैं। माइग्रेट करने के बाद यहाँ पे बच्चों का जो रिकॉर्ड है उसको भरने के लिए फॉर्म खुल के आ चुका है। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, बच्चों का रिकॉर्ड भरना है, बच्चे का नाम, बच्चे का आधार नहीं है तो बच्चे का माता का आधार नंबर डालेंगे। सारा प्रोसेस आप सभी को पता होगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। चलिए हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इस बच्चे का पूरा डिटेल्स डाल दिया है। यहाँ पे बच्चे का आधार नहीं है तो हमने उसके माता के आधार से यहाँ पर हाँ करके उसके माता का आधार डाल दिया है, माता का डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो भी यहाँ पर हमने डाल दिया है। फिर उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, जो भी यहाँ पर डिटेल्स मांगा है हमने यहाँ पे डाल दिया है, बच्चे का वजन और यहाँ पे लंबाई हमने डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम सुरक्षित वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेस का मैसेज आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली गो टू होम वाले पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से यहाँ हमने इसको माइग्रेट कर दिया, उसके बाद इसके बच्चे का जो भी डिटेल्स है उसको भर दिया है। तो इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर माइग्रेट कीजिएगा। उसके बाद चलिए, जो यहाँ पर नियम आया था कि जो भी गर्भवती महिला है वो कम से कम उसका जो डिलीवरी डेट है वो 7 महीने का जो हो जाएगी उसी का यहाँ पे आप लोग उसको माइग्रेट कर पाएंगे। बाकी जो 7 महीने से नीचे गर्भवती महिला रहेगी उसको आप लोग माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे हम आपको 3 डॉट पे क्लिक करके दिखा देते हैं, गर्भवती महिला का जो ये मंथ चल रहा है वो 6 मंथ है और यहाँ पर हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही माइग्रेट करने जाएंगे तो यहीं पे आपको एक मैसेज शो कर देगा, ये जो लाभार्थी है 7 महीने की अभी नहीं हुई है, 7 महीने जैसे ही होगी तो आप इसको माइग्रेट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर माइग्रेट कर पाएंगे, जो नियम है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर माइग्रेट करना है। उसके बाद ये जो बच्ची है उस बच्ची का आपको साथ ही साथ आधार वेरीफाई भी कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अभी हमने इसका रजिस्ट्रेशन किया है और इसका आधार वेरीफाई नहीं हुआ है,
तो चलिए यहाँ पर हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे आ हुआ है सत्यापन, यानी कि इसका जो सत्यापन है आधार वेरीफाई है वो यहाँ से हम करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसके माता के नाम से हम यहाँ पे आधार वेरीफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इजीली आधार वेरीफाई कर पाएंगे। पे जो भी माँ का डिटेल्स आप लोग डाले हैं वो सही सही होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे आधार वेरीफाई कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम उसको आधार वेरीफाई करके दिखा देते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे वेरीफाई आधार वाले पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। तो इस बच्चे का आधार वेरीफाई भी कम्प्लीट हो चुका है। तो ये तरीका है, आप लोग इस तरीके से जितने भी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, अगर आप लोग माइग्रेट करना चाहते हैं किसी लाभार्थी को यानी गर्भवती महिला को, तो आप लोग यहाँ पे इजीली इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमने आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप में माइग्रेट करने का जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।